बच्चों, आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। आज की कक्षा में हम जाने अनजाने कहानी पर रिवीजन करेंगे। जिस तरह से हम इस कहानी को पढ़ा था, यह एक डॉक्टर की कहानी है। वह डॉक्टर हॉस्पिटल में रहता था। वह जो भीख मांगे थे उन लोगों को, वह नहीं पैसे मांगने नहीं देता था। वह उनके लिए कुछ न कुछ काम बताकर तब उन्हें पैसे देता था। इस कहानी को हम और आप पढ़े थे और समझे थे। आज की कक्षा में इस कहानी को हम के प्रश्नोत्तरों पर हम थोड़ा सा देखेंगे कि मिड टर्म एग्जाम होने वाली है, उस दृष्टि से हम थोड़ा सा प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि यहाँ पे प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, ये जो है लिखित रूप से जो प्रश्नोत्तर हैं, इनमें से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। इन प्रश्नों में से आपको एक अंक के प्रश्न और दो अंक के प्रश्नों को आपको उत्तर लिखना होगा। उसके क्लिनिक पर आए भीख मंगे उसकी बात सुनकर अक्सर क्या करते थे? एक दिन 10-11 साल के बच्चे ने आकर क्या विनती की? प्रश्न घ, डॉक्टर साहब का दाम किस प्रकार खाली गया? प्रश्न घ, उस लड़के की सहायता डॉक्टर साहब ने कैसे की? प्रश्न घ, डॉक्टर साहब ने जो भी किया उसका परिणाम क्या निकला? यह जो यहाँ पे 5 प्रश्न हैं, इन प्रश्नों में से आपको एक अंक के प्रश्न भी पूछे जाएंगे और दो अंक के प्रश्न भी पूछे जाएंगे। और अगला जो प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए, यानी यहाँ पे जो वाक्य है, इस वाक्य का आशय क्या है, इस वाक्य का अर्थ क्या है, इसको आपको परीक्षा में लिखना होगा। सब के सब कमजोर हैं, भीख मांगने का धंधा बना रखा है। मौका मिलते ही चोरी करने से भी नहीं चुकते ये लोग। दूसरा है ख, एक सही निर्णय सचमुच किसी का जीवन बदल सकता है। जैसा कि आप इसका उत्तर जानते हैं, आपने अपने नोटबुक में लिखा भी है किस प्रकार इस उत्तर को लिखना होगा। विलोम शब्द लिखिए, ये व्याकरण पाठ में पूछा जाएगा। सुगंध, सम्मानित, बढ़िया, विश्वास, सफाई, आत्मनिर्भर। जैसे कि आप जानते हैं कि सुगंध का विलोम शब्द है दुर्गंध, सम्मानित का विलोम शब्द है अपमानित, बढ़िया का विलोम शब्द है घटिया, विश्वास का विलोम शब्द है अविश्वास, सफाई का विलोम शब्द है गंदगी, आत्मनिर्भर का विलोम शब्द है पराश्रित। इस प्रकार विलोम शब्दों को आप थोड़ा सा देख लीजिए। और यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं, वाक्य में कितने प्रकार हैं, कि वाक्य में जो चिन्ह आते हैं वह चिन्ह को कब और कैसे प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न है, आप जानते हैं मानव जीवन में भाषा का कितना महत्वपूर्ण स्थान है, और भाषा में वाक्यों का भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है। संवाद कहानी कविता लेख या प्रतिदिन के वार्तालाप सब में वाक्यों में की उपस्थिति है। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के हैं। जैसा कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। पहला जो है विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादि वाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। इस प्रकार हम वाक्यों में 8 प्रकार देख सकते हैं। आपको परीक्षा में इस प्रकार प्रश्न पूछे जाएंगे कि हर प्रकार का एक एक वाक्य बनाइए। आपको परीक्षा में ऐसे पूछा जाएगा कि फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए संकेतवाचक वाक्य लिखिए। उदाहरण के रूप में प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि संकेतवाचक वाक्य लिखिए, और अगला उदाहरण निषेधवाचक वाक्य लिखिए। इस प्रकार आपको पूछा जाएगा। जैसे कि प्रश्नवाचक वाक्य कैसे लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे सच कह रहा है तू, यहाँ पे प्रश्नार्थक चिन्ह है, जैसा आप देख सकते हैं सच कह रहा है तू प्रश्नार्थक चिन्ह है। और यहाँ पे विस्मयादि वाचक
वाक्य, जिस प्रकार यहाँ पे छी इतना सा होकर भीख मांगता है, यहाँ पे विस्मय आदि चिन्ह है। और छोटा सा बच्चा भला खाता ही कितना, यहाँ पे जिस प्रकार देख सकते हैं विस्मय आदि वाचक वाक्य का चिन्ह यहाँ पे लगा हुआ है, इस प्रकार यहाँ पे हम देख सकते हैं। और बच्चों यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि समुच्चय बोधक शब्द होते हैं, जैसा आपने प्रश्नोत्तर लिखते वक्त तब लिखा था कि किन्हीं पांच समुच्चय बोधक शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं समुच्चय बोधक शब्द कौन से होते हैं, और, तथा, एवं, लेकिन, परंतु, किंतु, पर, या, अथवा, कि, क्योंकि, इसलिए, चाहे, यद्यपि, तथापि, ताकि, तो, आदि। इस प्रकार समुच्चय बोधक शब्द होते हैं। इन शब्दों को, कुछ शब्दों को आपको परीक्षा में उन शब्दों की सहायता से वाक्य बनाना होगा, जैसा कि आपने नोटबुक में लिखा है उस प्रकार वाक्य आपको बनाना है। इन सारे इस लेसन के अंतर्गत आप जो भी प्रश्नोत्तर हैं उस प्रश्नोत्तरों को आपको और एक बार लिखकर पढ़कर घर में प्रैक्टिस करिए, ताकि आप मिड टर्म एग्जाम में अच्छे से आप लिख सकें।